आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता के मुद्दे जानने के लिए पत्रिका की टीम ने नागौर के कई विधानसभा क्षेत्रों की थाली, जहां कई समस्याएं सामने आई। देखिए पत्रिका टीवी के लिए नागौर से जयप्रकाश सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस समय नागौर के डेगाना कस्बे में हूं। नागौर जिले में 10 विधानसभाएं हैं, डेगाना भी उसी का पार्ट है। डेगाना भले ही नागौर जिले की विधानसभा है, लेकिन सांसद क्षेत्र में जो ये राजसमंद में आता है, संसदीय क्षेत्र राजसमंद में आता है। आज हम डेगाना कस्बे की विभिन्न समस्याओं को लेकर यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। कम लोग ही जानते हैं कि डेगाना जंक्शन कस्बे से डेगाना गांव 7 किलोमीटर दूर है। रेलवे जंक्शन बनने के बाद इस जगह का नाम डेगाना पड़ गया। काम कई हुए, लेकिन अभी भी ये क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं की बाट जो रहा है। नागौर से तरनाऊ होते हुए हम डेगाना कस्बे में पहुंचे। ये कस्बा रेलवे जंक्शन के दोनों तरफ बसा है। रेलवे क्रॉसिंग फाटक अक्सर बंद रहने से यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है और लगातार आरओबी बनाने की मांग की जा रही है। आरओबी के लिए रेलवे की स्वीकृति ही नहीं मिल पाई है। और जहाँ तक समस्या का है, सभी सरकारें आती हैं आपस में एक दूसरे की। हमारी यहाँ एक बहुत अच्छी, हमारी सौभाग्य रहा हमारे लिए, एक दूसरी जो भी सरकारें बदलती रहती हैं, यहाँ के एमएलए बदलते रहते हैं, तो एक दूसरे की इच्छा रहती है, कंपटीशन रहता है काम करने की इच्छा रहती है। उससे डेगाना का विकास दोनों सरकारों ने बराबर किया है, लेकिन आज की मूलभूत आवश्यकता यहाँ की है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत गड़बड़, जब भी बारिश होती है तो यहाँ का पानी निकास का कहीं भी रास्ता नहीं है। और ये सरकार जो इसके ऊपर गौर करे तो डेगाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी अच्छी जगह है। ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। ट्रैफिक में आए दिन जाम रहता है, सबसे प्रमुख समस्या है। बाजार में ड्रेनेज की समस्या होने से यहाँ जल भराव की समस्या है। क्षेत्र में टंगस्टन और लिथियम अपार मात्रा में है। यदि समुचित खनन हो तो क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिल सकती है। डेगाना से हरसौर पहुंचने तक रास्ते में सड़कें क्षतिग्रस्त मिली। यहां अधिकतर किसान सिंचाई के अभाव में केवल बरसात में ही फसल ले पा रहे हैं। रीगो ने औद्योगिक क्षेत्र तो बना दिया, लेकिन यहां एक भी उद्योग नहीं लगा है। इसके बाद हम परवसर कस्बे पहुंचे। यहां दंत चिकित्सक अंकुर टांक ने बताया कि इंदिरा गांधी कैनाल परियोजना से पेयजल की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन जलापूर्ति 5 से 6 दिन में मात्र 1 घंटे के लिए होती है। स्थानीय लोग पानी का टैंकर डलवाने को मजबूर हैं। पानी की समस्या रहती है, जो नल की सप्लाई होती है वो बराबर समय से नहीं होती है। 5 से 7 दिन की टाइमिंग से वो नल की सप्लाई आती है, और आना भी जैसे 1 घंटे का रहता है, इससे ज़्यादा पानी सप्लाई से नहीं मिलता है। इससे लगातार परेशान होते रहते हैं, बार बार टैंकर डलवा के और ये सब काम करना पड़ता है। परबत्सर में चिकित्सालय के बाहर मिले जयराम से चिरंजीवी योजना के बारे में बात की तो वे बोले इसका कोई फायदा नहीं मिला। डॉक्टर नहीं बैठते हैं, घंटों बैठते हैं, अपने घर पे चल जाते हैं, फीस लेते हैं 150-200 रुपए। न गरीबों के पास पैसा है, दवाइयाँ बाहर की लिखते हैं, न अंदर की देते हैं। ये धंधा चल रहा है यहाँ पे। और क्या दिक्कत है? और यहाँ पे खाजा खोखा सड़कें तैयार ही नहीं है, कहीं पर भी बिल्कुल सूची हुई पड़ी है। थोड़ रीको के अंदर पानी भरा हुआ, ट्रैक्टर फंसे हुए हैं, गाड़ियां फंसी हुई है, कोई सुनाई नहीं करता। चिकित्सक अस्पताल के बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाहर की दवाइयां लिखी जा रही हैं। लोगों ने बस स्टैंड पर बसें नहीं आने की शिकायत भी की। बसों के न आने से यहां ठेले पर सामग्री विक्रेताओं और दुकानदारों का कारोबार नहीं चल पा रहा है। परबत्सर के बाद हम मकराना की तरफ बढ़े। रास्ते में बिदियात के बाद से सड़क के दोनों तरफ मार्बल की खदानें, फैक्ट्री और स्टॉक दिखने लगे। बरसात की वजह से इन दिनों खदानों से मार्बल निकालने का काम लगभग बंद सा है। यहां दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्बल मिलता है। ताजमहल, विक्टोरिया महल, बिरला मंदिर के निर्माण में इसी का उपयोग हुआ है। अयोध्या के राम मंदिर में भी यहीं के मार्बल का उपयोग हो रहा है और यहाँ के कारीगरों की देखरेख में लगाया जा रहा है। हालांकि यहां के मार्बल उद्योग को विदेशी मार्बल टाइल्स से काफी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। मार्बल खदानों के लिए राज्य स्तरीय कमेटी से पर्यावरण संबंधी स्वीकृति लेने के एनजीटी के आदेश के बाद यहां के उद्यमियों में काफी हलचल है। युवा उद्यमी उत्कर्ष बंसल का कहना था कि यहां सबके पास पहले से ही स्वीकृति है, लेकिन अब 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की खदानों के लिए जिला स्तरीय समिति की स्वीकृति अमान्य कर दी गई है।
आदेश के बाद भी 3 महीने निकल गए, लेकिन इसका ना तो प्रारूप आया और ना ही प्रक्रिया शुरू हो पाई है। मकराना में हम मार्बल के युवा जमील उत्कर्ष जी बंसल से मिले। हम इनसे जानेंगे कि वर्तमान में जो मकराना का मार्बल उद्योग उसको किस तरह की कठिनाइयों का, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समय एक तो सबसे बड़ी कठिनाई तो ये है कि अभी राज्य सरकार ने और NGT ने आदेश निकाल के हमारी जितनी भी माइंस की EC हमने ले रखी थी एनवायरनमेंट क्लियरेंस, उसका उन्होंने दोबारा उसको रिन्यू कराने का या उसका प्रावधान बनाया है कि आप सब जो आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो EC ली है वो अब आपकी आपकी वैध नहीं है, अब आपको स्टेट लेवल से वो EC दोबारा लेनी पड़ेगी, आपकी वाली EC निरस्त है। अब उसके लिए ना तो कोई प्रावधान अभी तक प्रावधान उन्होंने स्पष्ट किए, 3 महीने निकल चुके हैं 1 साल में से, और भाई स्टेट लेवल की EC के लिए बड़ी खानों के लिए ठीक है, हमारे जैसी छोटी खानें जो कि 400 साल पुरानी है, इतनी गहरी हो चुकी हैं, हमारे लिए तो इसका खर्चा ही दोबारा EC लेने का खर्चा इतना भारी है कि ये इस चीज़ पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसमें कम से कम छोटी खानों को तो इसमें से हटा देना चाहिए। जो 5 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर की खाने हैं उनके लिए फिर भी आप इसको लागू कर सकते हैं। मकराना का मार्बल दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर, देखिए सबसे अच्छी क्वालिटी का मार्बल जो है मकराना मिलता है। मैं कैमरा मैन को बोलूँगा तो दिखाएँ, ये देखिए कितना चमक है, अभी अंधेरा हो रहा है उसके बाद भी इसमें काफ़ी चमक है, और मार्बल जो मकराना का जो सारा कारोबार है मार्बल पर टिका हुआ है। यहाँ पर बड़ी संख्या में मार्बल उद्योग हैं, खदानें हैं और फैक्ट्री हैं, और यहाँ के जो मार्बल है इससे आगरा का ताजमहल बना है, इसी से जो है राम मंदिर में मार्बल का उपयोग हो रहा है, यहीं पे तेजा जी का जो मंदिर बनेगा यहीं से मार्बल जाएगा। पत्रिका TV के लिए नागौर से जयप्रकाश सिंह की रिपोर्ट।